हेलो एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर मिताली बाबुलकर फ्रॉम एक्टिव प्लस। रीत जी को थोड़े टाइम पहले एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उनको ऐसा प्रॉब्लम होनी शुरू हुई विच वॉज हिज बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस एंड रोटेटर कफ टियर। तो बेसिकली आपका जो शोल्डर ज्वाइंट होता है उसको कवर करने के लिए चार बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं जो उसको होल्ड करके रखती हैं। जब ये मसल्स किसी भी वजह से काम नहीं कर पाती हैं या फिर हम इनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो इनमें टियर डेवलप होने लग जाते हैं। इस वजह से रोटेटर कफ में पेन आने लगता है और शोल्डर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और कोई भी ओवरहेड एक्शन अगर आप करने को बोलेंगे पेशेंट को तो वो नहीं कर पाते हैं। एंड क्या हुआ था? तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन एंड एमआरआईज में ही आया कि आई टियर्ड माय लिगामेंट, बट स्लोली ये वेन पड़ता गया। आई मेट फ्यू डॉक्टर्स इन दिल्ली, सो आई विल हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थेरेपीज, बट पेन थोड़ा सा रुकता था, बट थोड़े टाइम बाद फिर शुरू हो जाता था। देन इवन आई लेफ्ट जिम माई नॉर्मल लाइफ स्टाइल बिकॉज ऑफ दिस पेन। देन आई स्टार्टेड थेरेपी हेयर, सो आई थिंक थर्ड और फोर्थ सेशन के बाद आई गॉट सम रिलीफ, एंड आई थिंक सेवेंथ एट सेशन के बाद मिताली आस्क्ड मी टू स्टार्ट जिम। सरप्राइज की इट्स टू अर्ली टू स्टार्ट जिम, बट जिम शुरू करके मूवमेंट और ज़्यादा ठीक हुई। सो सिंस देन इट्स इम्प्रूविंग डे बाई डे, एंड इवन आई स्टार्टेड माई फुल फ्लेज जिम ऑल्सो। सो जस्ट आई थिंक फॉर मी इट्स लुक लाइक 80-85% इट्स डन, बट थोड़ा सा एक्सरसाइज के वेट्स वगैरह की वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम है, सो आई एम कीप ऑन कमिंग, बट आई एम श्योर कि अब ठीक हो गया है। सो नॉट लाइक एक साल पहले जो जैसा था पेन, मोर और लेस इट्स फाइन, जस्ट थोड़ा एडजस्टमेंट काइंड ऑफ थिंग इज लेफ्ट। Deep breath. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं जिनको लिफ्टिंग बहुत पसंद है, जिनको जिम जाना बहुत पसंद है, उनके लिए वीडियो बहुत बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि आपका इस्तेमाल जो ओवरहेड मूवमेंट्स में होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और ज्यादातर मेरे जो जिम के फ्रेंड्स हैं उनको भी यही प्रॉब्लम होती है कि शोल्डर में बहुत पेन आ रहा है, यहाँ पेन आ रहा है, वहां पेन आ रहा है। तो इस चीज के लिए आप इनको वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके।